आज हम टेंस के बारे में जानेंगे कि टेंस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और प्रत्येक टेंस के कितने फॉर्म होते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक फॉर्म में, टेंस के प्रत्येक फॉर्म में हम सेंटेंस का कौन सा स्ट्रक्चर लिखते हैं। अगर हम टेंस के प्रत्येक फॉर्म में सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जान जाएं तो हमको शुद्ध इंग्लिश लिखने में और बोलने में कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम टेंस की डिफिनेशन जानेंगे। टेंस इज ए मेथड टू रिप्रेजेंट द टाइम। टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए टेंस का यूज किया जाता है। और टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के चार फॉर्म होते हैं, इंडेफिनिट फॉर्म या सिंपल फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए अगर प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट टेंस के साथ पहला फॉर्म बोले तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहेंगे। और दूसरा फॉर्म अगर प्रेजेंट टेंस का बोला जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और तीसरा फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और चौथा फॉर्म होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के भी चार फॉर्म होते हैं। और टेंस के दौरान हम चार प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रत्येक सेंटेंस का एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर में हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बिल्कुल ही करेक्ट होगा, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी। किसी भी सेंटेंस में मुख्य रूप से तीन ऑब्जेक्ट होते हैं, तीन कंपोनेंट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का फॉर्म कभी बदलता नहीं, सब्जेक्ट जैसा का तैसा रहेगा। और ऑब्जेक्ट का फॉर्म भी कभी नहीं बदलता, बदलता है सिर्फ वर्ब। तो हमें देखा जाए तो मुख्य रूप से वर्ब पे ही ध्यान देना है कि किस टेंस के किस फॉर्म में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है। वर्ब के वैसे पांच फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म। इसके अलावा वर्ब में हम एस या ईएस भी जोड़ते हैं जिसको चौथा फॉर्म कहा जाता है। और पांचवा फॉर्म होता है वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जोड़ के वर्ब का पांचवा फॉर्म बनाते हैं। तो पूरे टेंस के दौरान हम वर्ब के पांच फॉर्म को जानेंगे और किस फॉर्म का किस टेंस में कैसे यूज करते हैं ये जानेंगे। तो अगर हम कम शब्दों में कहना चाहें तो टेंस सीखने का मतलब है वर्ब को सीखना, वर्ब के किस फॉर्म का कहाँ पे किस तरह से यूज करना है। अगर हम यह जान गए तो फिर टेंस में जानने के लिए और कुछ नहीं बचता। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम आएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। चार प्रकार के सेंटेंस हमको हर टेंस में पढ़ना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जानना भी जरूरी है कि हमको वर्ब में कब यस या ई एस जोड़ना है और कब नहीं जोड़ना है। तो यूज आर यस आर ई एस, वर्ब के साथ यस या ई एस जोड़ना या न जोड़ना डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट अगर ही है या फिर सी है या फिर इट है या फिर कोई एक नाम है। चार सब्जेक्ट मैंने लिया, ही सी इट एंड एनी। तो हमें वर्ब के साथ यस या ई एस जोड़ना है, यू यस या ई एस विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
इसके अलावा कुछ भी हो, रिमेनिंग आर। रिमेनिंग में आई हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, वी हो सकता है, या फिर एक से अधिक नाम हो सकते हैं, मोहन, सोहन, रोहन वगैरह वगैरह। तो हमको वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं जोड़ना है। डू नॉट यूज एस या ई एस। अब हम कुछ एग्जांपल पे आते हैं। उदाहरण के लिए हम एक सब्जेक्ट ले लिए आई, और इसका ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया बुक। जैसा कि मैंने सुनम बताया था, सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट का कोई फॉर्म नहीं बदलता, क्योंकि एक ही फॉर्म में रहेगा। ऑब्जेक्ट का भी कोई फॉर्म नहीं बदलता, जिसका तसी रहना है। सिर्फ वर्ब का फॉर्म बदलता है, जो कि सब्जेक्ट डिपेंडेंट होता है। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का फॉर्म बदल जाता है। तो दूसरा सब्जेक्ट मैंने लिया ही, और ऑब्जेक्ट को मैंने बुक ही रखा है। तीसरा मैंने लिया यू, और ऑब्जेक्ट फिर बुक ही है। अब इसके अलावा कोई एक नाम ले लेते हैं, राम का नाम ले लेते हैं, राम और बुक। एक से अधिक नाम अगर हो तो दो नाम ले लेते हैं, राम एंड श्याम। ये हमारा हो गया वर्ब के लिए स्थान, और ये हो गया ऑब्जेक्ट बुक। और दे भी हो सकता है, देवी वगैरह वगैरह। तो हम देख रहे हैं कि तमाम तरह के सेंटेंस हमारे सामने हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट तो बुक है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, सब्जेक्ट अलग अलग हैं, पर सब्जेक्ट का फॉर्म भी कभी बदलता नहीं। फॉर्म सिर्फ बदलता है वर्ब का, जो सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। जैसा सब्जेक्ट रहेगा, उस तरह से वर्ब का फॉर्म आता है। अब अगर हम यहाँ पे रीड वर्ड यूज करना चाहें, तो यह आई, ही, सी, इट या एक नाम में से नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ रीड यूज करेंगे, और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो ही है। तो जैसा यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, ही के साथ वर्ब जो भी रहेगा वहाँ पे एस जोड़ दिया जाता है। तो रीड्स हो गया। यू रिमेनिंग वाले कॉलम में है, तो यहाँ पे हम एस या एस नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ रीड लिखेंगे। राम एक नाम है, सिंगल नाम है, तो हम रीड्स लिखेंगे। एक से अधिक नाम हो गया तो सिर्फ रीड लिखा जाएगा। दे रिमेनिंग में से है, इन चार में से नहीं है, तो हम यहाँ पे रीड लिखेंगे। अब वर्ब रीड हो या बाई हो या गिव टेक ब्रिंग कुछ भी हो, आई बाई बुक या आई गिव बुक या आई टेक बुक, वर्ब कुछ भी हो, वर्ब का जो फॉर्म यहाँ आएगा वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। वर्ब में ऐसे ये जोड़ना स्टेबल पे